वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 14th of July 2024 संडे। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है उसको देखते हैं। जो लास्ट फ्राइडे का वीकली क्लोजिंग था एट 104.08, यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एक नेगेटिव वीकली कैंडल के साथ प्राइस के साथ कैंडल क्लोज दिया हुआ है। सो यहाँ पे और भी फर्दर नीचे जाने का एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। एक नजर अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो मंथली क्लोजिंग अगर जून महीने के लो के नीचे होता है, दैट मींस 103.90 टेंटेटिव, सो इसके लो के नीचे अगर होते हैं, देयर बाय देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स में फर्दर मूव डाउन टुवर्ड्स 101 से 101.50। वीकली पर्सपेक्टिव में जो नेगेटिविटी है, सो एनी अपटिक्स मे बी सोल्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 102.70 एंड सेकंड टारगेट टुवर्ड्स 101 से 101.50। नेक्स्ट आते हैं जीबीपी। लास्ट वीक में जो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस था, दिस वीक ये क्या किया, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया है जीबीपी डॉलर एंड वीकली क्लोज्ड 1.2985। RSI जो 60 में रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा इसका हमारा एक्सपेक्टेशंस हो रहा था, उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के RSI क्लोज्ड एट 66। दैट मींस जीबीपी डॉलर में काफी बुलिशनेस अभी दिख रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें ये देखना है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस एट 1.31 से 1.3130 के बीच में एक नेक्स्ट लेवल का आपका रेजिस्टेंस है क्या। करंट वीक मीन्स मंडे ऑनवर्ड्स, टुमारो ऑनवर्ड्स इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर जाते हैं वो हमें देखना होगा। जीबीपी आईएनआर में भी जो हमारा पिछले हफ्ते का एनालिसिस था, वहां पे हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस था वो था आपका 107.40 से 107.90 के बीच में। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को जब तक ऊपर की तरफ नहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देता तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन इस हफ्ते में हमने क्या देखा, ये जो वीकली प्राइस है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल्स जो इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया है। RSI ऑल्सो 60 का रेजिस्टेंस को तोड़ के 68.60 लेवल पे क्लोज दिया हुआ है। दैट कंसीडरिंग दिस पॉइंट, सो जीबीपी आईएनआर पे एनी डिप मे बी बॉट फॉर एन अपवर्ड टारगेट। अपवर्ड टारगेट मींस काफी मंथली चार्ट देखेंगे तो ऐसा तो मींस ऑल टाइम हाई, दैट मींस जीबीपी आईएनआर इज एट ऑल टाइम हाई। सो इज इट सो, लेट मी चेक 12 महीने का, यस इट्स ए जीबीपी आईएनआर इज एन इज इन ऑल टाइम हाई लेवल। सो तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो ये ऑल टाइम हाई का जो तोड़ा हुआ है अभी, व्हाट नेक्स्ट में एनी डिप मे बी बॉट फॉर एन फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मोमेंटम के लिए हमें प्राइस एक्शन रेगुलर बेसिस में कंसीडर करना पड़ेगा। अभी ऊपर में कोई मेजर रेजिस्टेंस है ही नहीं। यूरो आयनर जो वीकली क्लोज, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, लेकिन लास्ट वीक में हमने जो एक ट्राइंगल कंसीडर किया था, इस ट्राइंगल वीकली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के रेजिस्टेंस को अभी तक ये तोड़ने में नाकामयाब रहा है। RSI also at 57.24. That being the case, अभी भी RSI terms में एक 60 का रेजिस्टेंस हो सकता है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ जाना है अगर यूरो डॉलर को और भी मोमेंटम क्रिएट करना है। यूरो आयनर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है। अभी पुल बैक के लिए हमें इंतजार करना है। वन मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर RSI एट 59.45. सो हमें देखना है ऐसा ना हो कि मंडे ऑनवर्ड्स ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। RSI को तोड़ के ऊपर 60 के ऊपर जाना है अगर इसको फर्दर अपसाइड करना है। डॉलर येन में इस हफ्ते में अच्छा खासा एक सेलिंग दिखा गया। फ्रॉम एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 161.80 इट ट्रेडेड लो ऑफ 157.35 एंड क्लोज इट 157.90। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली रेगुलर बेसिस में बीओजे
इसको टाइम टू टाइम इंटरवीन कर रहा था, लेकिन जैसे ही लास्ट सीपीआई डेटा आया उसके बाद मींस डॉलर वीक हो गया तो येन स्ट्रांग होना था. अलोंग विद दैट वन बीओजे आल्सो इंटरवीन हेवीली टू मींस appreciate yen from an all time, I mean from a recent high of 161.95 levels and closed at 157.90. What next ke liye abhi hame dekhna hai yahan pe ek trend line support. Jab tak is trend line support ko strong candle ke sath close nahi de deta hai tab tak, and also RSI at 60 levels, so yahan pe higher possibilities hai ki कल के दिन में अगर मंडे ऑनवर्ड्स अगर यहाँ पे एक बाय सेटअप का कुछ मिलता है हमें, मींस डब्ल्यू पैटर्न्स मिलता है, कुछ समझ आ चुका है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न्स अगर मिल जाता है हमें, it is going to be an excellent opportunity to buy dollar yen. So kyunki yahan pe monthly RSI above 60, weekly at 60 and daily at 40 pe aaya to iska matlab ye nahi ki blindly buy karna hai, yahan pe lower time frame pe buying opportunities dhoondna hai, possibly that w patterns. Yen INR mein ye hamara target yahan pe tha 0.5050 subject beta conditions ki BOJ kuch khatarnak intervene na karte, and ye BOJ ne intervene kar diya. What next ke liye aapko agar dekhna hai ki yahan pe ek trend line resistance hai uske just upar close diya hua hai, aur yahan pe agar hum dekhenge monthly RSI below 40, weekly RSI just at 640 and daily at 60. So यहाँ पे एक अच्छा खासा selling opportunities ENINR पे हमें मिलना चाहिए, dollar yen पे हमें एक buying opportunities मिलना चाहिए, means lower time frame पे अगर हमें W मिलता है या something else तो कुछ price actions, positive price actions मिलता है तो buy के लिए अच्छा opportunities है, and उसका ठीक उल्टा ENINR पे selling opportunities के लिए हमें ढूंढना चाहिए. डॉलर कैंडी क्लोज दिया है 1.3635, ये जो सपोर्ट लेवल है 1.36 का, इसको कन्विंसिंगली तोड़ नहीं पा रहे हैं. यहाँ पे रेदर एक पिन बार कैंडल बनाया हुआ है, यानी मंडे ऑनवर्ड्स अगर पिन बार के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ आने का प्रयास कर सकते हैं. $80 क्लोज रेट 1672 है, जैसे कि हमारा लास्ट वीक का एक्सपेक्टेशन था, ये मीन्स ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें मींस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के $80 में ट्रेड टुवर्ड्स 0.6850 के तरफ, एंड उसी के तरफ ये चल रहा है. पीबीओसी का इंटरवेंशन से यहां पे चालू है, एंड वीकली क्लोज जो सीएनएच में है वो है 7.2560. यहां पे एक आप अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया पे 7.2950 एरिया पे एक इवनिंग स्टार कैंडल्स बनाया हुआ है. दैट बीइंग द केस यहां पे सीएनएच में सीएनएच थोड़ा एप्रिशिएट होने का हायर पॉसिबिलिटी से जब तक ये पिछले हफ्ते 1 जुलाई वाला जो वीकली कैंडल है उसके ऊपर क्लोज ना दे. नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड का जो स्पॉट चार्ट है, वीकली में एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है. अभी यहाँ पे इमीडिएटली एक सपोर्ट है जो 8350 से 8430 का, मीन्स मंडे ऑनवर्ड्स अगर इसके हाई के ऊपर पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं देन ब्रेंट क्रूड में फर्दर मूव हायर टूवर्ड्स 90. तो क्या ये होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा. देन यूएस 10-year ट्रेजरी वीकली जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देयर 4.187, 2-year ट्रेजरी क्लोज देयर 4.456. यहाँ पे देखने वाला चीज ये है कि लास्ट वीक में 10-year एंड 3-year 2-year का जो इन्वर्शन कर्व था वो 32-33 बेसिस पॉइंट्स का था, वो अभी काफी कम हो चुका है, ये अभी 27 बेसिस पॉइंट्स का इन्वर्शन कर्व से डिफरेंस है. सो हमें आने वाले समय में यूएस 10-year ट्रेजरी वर्सेस यूएस 2-year ट्रेजरी का ये देखना है कि कब ये नॉर्मलाइज हो जाता है कर्व. तो नॉर्मलाइज हो जाता है मीन्स इन सच ए केस इंटरेस्ट सिनेरियोज मीन्स फर्दर
नॉर्मलाइजेशन की तरफ होगा, मीन्स रेट कट का जो बातचीत हो रहा है शायद काफी कुछ उसी तरफ प्राइस इंडिकेट कर रहा है। लास्ट वीक में हमने एक एनालिसिस किया था जहां पे हमने ये एनालिसिस किया था वीकली क्लोजिंग इन यूएस टू ईयर ट्रेजरी मच स्ट्रॉन्गर, मीन्स मच वीकर देन द 10-year ट्रेजरी, जिसके कारण पिछले हफ्ते में ये 10-year ट्रेजरी रिसेंट स्विंग लो को तोड़ नहीं पाया था, वेयरएज 2-year ट्रेजरी स्विंग लो को तोड़ के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। व्हाट इट मींस, ये काफी कुछ बयां करता है जिसके बारे में आप प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हो। तो उसके हिसाब से मीन्स मार्केट उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट कर्व, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज है वो है आपका 83.49, सो नथिंग न्यू, 50-70 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। एंड सो जब तक यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द लेवल्स, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा एंड वी नीड टू वेट फॉर रेंज ब्रेकआउट। ये रेंज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर, ऐसा ना हो कि नीचे की तरफ रेंज ब्रेक डाउन हो जाए। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।